क्या तुम्हें नहीं लगता ये घर खाली है? माँ मेरा मतलब देखो, क्या तुम लोगों को सच में नहीं लगता कि ये घर खाली है? नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा घर आखिर में खाली क्यों है? कैसे, मेरा मतलब घर खाली कैसे है माँ? एक चीज जो ये तुम्हें नहीं दे सकती वो है बच्चे। मेरा मतलब देखो इसे, देखो जरा। तुम क्या नैन्सो को जानते हो? नैन्सो के पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और जल्द ही एक और आने वाला है। और तुम दोनों का किसी से रूठना और मौज मस्ती करना तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता। बस बहुत हुआ। ब्रूमे, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? तुमने कब से बहस करनी शुरू कर दी, वो भी इसकी वजह से? बढ़िया है नेजा, नाइस वन। तुम्हें पता है मेरा बेटा तुमसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था, पर क्या तुम जानती हो मुझे चुड़ैल दिख रही है? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू मुझे वो नहीं दे सकती जो मुझे चाहिए, तो वो मैं किसी और से भी हासिल करवा सकती हूँ। रुक जाओ। देखो, अगर तुम ये काम खुद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेसा, क्या अब तुम खुश हो? माँ, क्या खुश हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं? ओ, मैं पोते को देखे बिना ही मर जाऊं क्या? माँ, मैं जानता हूँ कि तुम पोते के लिए बेताब हो, तुम बहुत प्यार से पोता चाहती हो, पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि इसके लिए तुम किसी की बेइज्जती कर दो। वो पत्नी है मेरी, मेरी पत्नी माँ, और हमारा एक परिवार भी है। वो संपूर्ण पत्नी नहीं है जब तक वो मुझे पोता नहीं दे देती। माँ, आप पोते के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन है, और अगर इतना ही है तो जाओ मेरे लिए बच्चा किराए पर ले आओ, अपना पोता, उसे खरीदो और उसमें जान डाल दो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ वो औरत इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी कहीं भी। तुम्हें एक बात पता है ब्रोमे, उसने तुम्हें कुछ खिलाया है, तुम उसके काबू में हो। मुझे पता है कि तुम वही करते हो जो वो चाहती है। क्या तुम्हें पता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब कुछ करूंगी, तब तक उसे इस घर में कभी शांति नहीं मिलेगी। माँ, आप थक गई हैं, मुझे लगता है आपको जाकर सोना चाहिए। अपना खाना खा लो। ओ भगवान, बकवास। I'm in love.
तुम्हें ये पसंद आया? हाँ ये बढ़िया है, थैंक यू। I love you too. और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय आने पर। It must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. The feeling that I'm feeling, it must be love. No, it is not infatuation. Hey, I'm in love. Ooh, I'm in love. Why do I feel tongue tied around you? The sound of your voice melts my heart like a candle. See what you've done to me. Ooh, baby, you broke all my defenses. Never knew I could love somebody like this. Loving you like I'm losing all of my senses. You drive me crazy. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. Must be love. No, it is not infatuation. Hey, I'm in love. I don't need medication in peace and love, cause I know they feel myself. And I need an explanation why I only feel this way when I'm around you. How can I love another person like this? No way. This is a once in a lifetime love. I'm in love. It's got to be that feeling they call love. So in love. Ooh, I'm in love. It's got to be that feeling they call love. It's got to be that feeling they call love. I've been a malaria, no, I'm in love. I'm in love, yeah. Why are my hands so sweaty? Why am I weak in the knee? Now I'm walking funny. Every time I'm close to you, baby, I lose my cool. Oh, yeah. When you smile in my direction, my heartbeat does like 192 BPM. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. The feeling that I'm feeling, it must be love. No, it is not infatuation. Sound of your Babe. Voice melts my heart like a candle. See Babe. What you've done to me. Oh, तो तुम जा रहे हो? मुझे देरी हो रही है। ओके। जल्दी करो। ठीक है। तुम यहाँ हो? थैंक यू। क्या तुम आज भी अपने कजन के घर? हाँ बिल्कुल, मैंने अविगिल को पहले ही मुझसे मिलने के लिए बोल दिया। ओह अविगिल, बढ़िया है। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा, वो घर पर नहीं आई है। वो ठीक है, बस वहीं फंसे हुए हैं। ओह उसे मेरा हाय बोलना। ठीक है। क्या तुम्हें कब चाहिए? मुझे जाना होगा। ओके ध्यान से। ओह सॉरी, क्या मैं मदद करूं? I never felt this kind of love before. Yeah, yeah. I know go lie to you.
Girl, I'm trying to reach your soul before I take the dress off. You don't have to try to impress me. मैं तुम्हारे कारण ही मोटा हो रहा हूँ, और खिलाओ मुझे। जब शादी की थी मैं पतला और सेक्सी बंदा था। और अब देखो। ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने ही कहा है मुझे काम करना चाहिए। Your words, एक पत्नी को अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और मैं ये रख रही हूँ। Enjoy it। अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। ओके, क्या हुआ? तो माँ आने वाली है। ओह, बस कुछ दिनों के लिए। तुम्हें पता है उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। मुझे ठीक पता है? है, पर ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें नहीं पता वो क्यों आ रही हैं। तो थोड़ा आराम से। हाँ, वो बस थोड़े दिन के लिए है, ज्यादा लंबे के लिए नहीं। क्या ये सही हो रहा है? हाँ। वो बात जिससे तुमने मुझे बचाने का वादा किया था, आखिर अब वो होने वाली है। ओ गॉड। कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। ठीक है? Yeah. बेब, चलो चले। तुम उन्हें जानते हो। चलो, अब इतनी भी ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ही मुद्दा बना रही हूँ? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। जब तुम्हारी माँ एक काल्पनिक लड़ाई के दूसरे पक्ष में हो तो तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। कोई लड़ाई नहीं है, वो मेरी माँ है, और तुम्हें पता है वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। ठीक कहा, शुरू से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं उन्हें एक पोता दूंगी। देखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके। मैं चलता हूँ। माँ, वेलकम। ब्रोमी। सॉरी माँ, वो ऑफिस में हैं, लेकिन वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। ये क्या है? इसे उठाओ प्लीज। सॉरी माँ, मैं अभी आई। इसे बस बैठकर टीवी देखना ही आता है, आलसी कहीं की। सॉरी माँ। क्या मैंने तुमसे पानी मांगा? बोलो, क्या मैंने तुमसे पानी मांगा? क्या तुमने अपने हाथ धोए? क्या तुमने अपने हाथ साफ किए? ओह, देखो इसे। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? देखो, मुझे पता है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते एक दूसरे को, और ये सच है। जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरे सामने नहीं, पीछे जाके खड़ी रहो। सॉरी माँ। तुम खाना बना रही थी, है ना? मुझे पता है तुम बहुत आलसी हो, वेरी 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 लेजी।
तुम खाना नहीं बनाती, तुम बस इतना ही कर सकती हो, खाना ऑर्डर करती हो और फ्रिज में डाल देती हो। लेकिन सुनो, मैं फ्रिज का खाना नहीं खाती, मैं बढ़िया और फ्रेश फूड खाती हूँ, जो अच्छा बना हो। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सब छोड़ो, तुम तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हें कैसे पता होगा कि ताजा खाना कैसे बनाते हैं, वो भी हर दिन। तुम्हें पता है, तुम जो दोगी वो मैं ले लूंगी, क्योंकि मुझे अपने पोते के लिए जिंदा रहना है। तो चली जाओ यहाँ से। तुम इतनी आलसी क्यों हो? मैंने कहा जल्दी से जाओ और खाना बनाओ। हे भगवान, क्या हो रहा है? माँ आ गई। ओह भगवान, अब क्या कहूँ, मैं मीटिंग में था, वो मुझे कॉल कर रही थी। वहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? पता है, तुम्हें पता है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा, ठीक है? अगर कोई बात हो तो फोन करना, ठीक है बेब? ओके बाय। चलो जल्दी मिलते हैं, ठीक है? फाइन। गॉड। माँ, खाना पसंद आया? हाँ। इसने बनाया है? मुझे पता है, लेकिन अच्छा होता अगर इसे बच्चे भी खाते। क्या तुम्हें नहीं लगता ये घर खाली है? माँ, मेरा मतलब, देखो, क्या तुम लोगों को सच में नहीं लगता कि ये घर खाली है? नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा घर आखिर में खाली क्यों है? कैसे? मेरा मतलब, घर खाली कैसे है माँ? एक चीज जो ये तुम्हें नहीं दे सकती, वो है बच्चे। मेरा मतलब, देखो इसे, देखो जरा। तुम क्या नैन्सो को जानते हो? नैन्सो के पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और जल्द ही एक और आने वाला है। और तुम दोनों का किसी से रूठना और मौज मस्ती करना तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता। बस बहुत हुआ। ब्रूमे, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? तुमने कब से बहस करनी शुरू कर दी, वो भी इसकी वजह से? बढ़िया है नेजा, नाइस वन। तुम्हें पता है, मेरा बेटा तुमसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था। पर क्या तुम जानती हो, मुझे चुड़ैल दिख रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू मुझे वो नहीं दे सकती जो मुझे चाहिए, तो वो मैं किसी और से भी हासिल करवा सकती हूँ। रुक जाओ। देखो, अगर तुम ये काम खुद नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेसा, क्या अब तुम खुश हो? माँ, क्या खुश हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं? ओ, मैं पोते को देखे बिना ही मर जाऊं क्या? माँ, मैं जानता हूँ कि तुम पोते के लिए बेताब हो, तुम बहुत प्यार से पोता चाहती हो, पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि इसके लिए तुम किसी की बेइज्जती कर दो। वो पत्नी है मेरी, मेरी पत्नी माँ, और हमारा एक परिवार भी है। वो संपूर्ण पत्नी नहीं है जब तक वो मुझे पोता नहीं दे देती। माँ, आप पोते के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन है, और अगर इतना ही है तो जाओ मेरे लिए बच्चा किराए पर ले आओ, अपना पोता, उसे खरीदो और उसमें जान डाल दो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, वो औरत इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी कहीं भी। तुम्हें एक बात पता है ब्रोमे, उसने तुम्हें कुछ खिलाया है, तुम उसके काबू में हो। मुझे पता है कि तुम वही करते हो जो वो चाहती है। क्या तुम्हें पता है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं सब कुछ करूँगी, तब तक उसे इस घर में कभी शांति नहीं मिलेगी। माँ, आप थक गई हैं, मुझे लगता है आपको जाकर सोना चाहिए।
अपना खाना खा लो। ओ भगवान। बकवास। मुझे माफ कर दो, खाने के समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है, समझ सकता हूं। ठीक है, मैं ठीक हूं। I'm sorry. तो अब क्या? वो गांव से किसी को काम संभालने के लिए लाने वाली है ना? मैंने ठीक कहा ना? बेब, अब क्या हुआ तुम्हें? क्या रोकूं? तुम्हें पता है वो आगे क्या करेगी? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अब बात खत्म हुई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके, फाइन, लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। बेब, क्या हम इस सबको अभी खत्म कर सकते हैं? महीने में दो बार कर लिया है मैडम। मुझे पता है डॉक्टर, हाँ मैं बस यही चाहती हूँ कि ये काम करे। हमारी ये बात पहले भी हो चुकी है और मैंने कहा था कि तुम में और तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं है, लेकिन IVF हमने इस महीने एक बार ऐसा किया है और ऐसा करना दोबारा सही नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज, मैं इसे चाहती हूँ, पैसे की कोई परवाह नहीं। इसमें कम से कम 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए अगले IVF सर्कल से, बस इतना ही मैडम, मतलब इन सब में पैसों का कोई लेना देना नहीं है। ओह गॉड, ओह समझ नहीं आ रही। प्लीज, क्या तुम दरवाजा खोलोगे?
मैं आ रही हूँ। आ गई भाई, रुक तो जाओ। ओह वेलकम माँ। ब्रोमी, ब्रोमी। माँ बैठ जाइए। माँ मैं तुम्हारे लिए एक संपूर्ण लड़की लाई हूँ। क्या? माँ ये क्या है? क्या है ये? तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इसे अपना लो या मुझे माँ कहना बंद कर दो। माँ पूरे सम्मान के साथ प्लीज इस चीज को वहीं ले जाएं जहां से इसे लेकर आए थे, और मैं यहां इसे स्वीकार नहीं करूंगा। प्लीज रिस्पेक्ट इट। ब्रोमी, मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें भी किसी और को जन्म देना होगा। मुझे पोता चाहिए और इसके बारे में सोचो, ये मेरा अधिकार है। अगर मैं पोता पाना चाहूं तो मैं कहीं भी जा सकती हूं, यहां भी जा सकती हूं। वो मैंने आपको बताया मुझे था। इसकी परवाह नहीं, मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा। ये बिल्कुल फाइनल है, ये यही रहेगी। तुम ऊपर जाओ, पीछे हट। देखो नो, नहीं कुछ मत कहो, सब ठीक है। माफ कर दो, मुझे नहीं मैंने पता था कहा सब ठीक है। ओके, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी माँ से लड़ाई करो। मेरा मतलब अगर वो यहाँ रहती है तो यहाँ थोड़ी शांति होगी, और हमें क्या चाहिए, वो रह सकती है यहाँ। इसमें कोई खतरा नहीं है। फिर से कहो, मुझे भरोसा है तुम पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई यहाँ आकर कमरा साफ करो। मोनिका, कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ सो जाए। वो सभी हर्बल लेना बिल्कुल भी मत भूलना जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे पोता चाहिए। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तब उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, तुम समझी? मैं ऐसा जरूर करूंगी, मुझे पता है क्या करना है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। मॉम, इसे बोल दो कि इसे अपने घर जाना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके निकल जाए। वो कहीं नहीं जाएगी, अगर वो गई तो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। बेशरम लड़की। तुम और तुम्हारी गुदगुदी। कैसी हो? ठीक है। क्या तुम कहीं जा रही हो? एंजल मेरी पहले से वेट कर रही है। बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ जितनी मौज मस्ती करनी है करो, पर ये मत भूल जाना कि तुम्हारा पति घर पे इंतजार कर रहा है। बेहतर होगा मुझे ज्यादा याद मत करना। श्योर, मैं कोशिश करूंगा। In this bus we're riding. I don't even know where we're going. No, no. As long as you're here, girl, oh, I'll be alright. Yeah. As long as I'm by you, yeah. I'll be okay. Hi. I know it's crazy, but okay. Khana माइक्रोवेव में है और जूस है फ्रिज में। ओके, थैंक यू। मैं घर जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और ये बात मैं सच में नहीं बोल रही। बढ़िया, मजे करना। बाय। बस नशे मत करना। तुम जानते हो मैं नहीं पीती। किसी और बंदे को अपने साथ नाचने मत देना, ये बस मेरा अधिकार है। ऑल राइट। right.
destination. I'm heading in the wrong direction. I'm lost, but please, nobody should find me. Mm-hmm.
कौन हो तुम? बेब। हाय। क्या तुम ठीक हो? हाँ। ओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। खाना तैयार है। ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या तुम पक्का ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता है सिर्फ काम का तनाव है। चलो जल्दी करो। हाँ, मुझे इंतजार मत करवाना। हेलो। ओ, तो वो तुम हो? नहीं नहीं नहीं, बस तुम ही हो। तुमने मेरे साथ सेक्स किया और हमने बहुत मजा किया। क्या? जरा सोचो, जरा लीजा को ये जब पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश मत करो, वरना मैं सब कुछ उसे सेंड कर दूंगी। अगर तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो मैं कमरे में ही हूँ। बेब। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो तुम्हारी माँ थी ना? नहीं, नहीं, वो माँ नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? काम से वापिस आने के बाद तुम परेशान हो? हाँ, बस थोड़ा काम के करके तनाव है। तुमने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत बढ़िया है। थैंक यू। रुको, तुमने कहा तुम्हें याद नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे ये क्यों नहीं याद? अपन को नहीं लगता तुम्हें याद होना चाहिए भाई। तुमने सेक्स किया है वो भी किसी लेडी के साथ। तुम्हें लगता है? भाई, नशा तो नहीं दिया? गॉड, नेसा को इस बारे में नहीं पता, पर उसे पता होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? उसका मैसेज दिखा तो। ओह, उसी का मैसेज आई है। उसने क्या कहा? कब कहा? उसने वीडियो बनाई है भाई। पर क्यों? किसे पता क्यों? मैं इस लड़की से परेशान हो गया हूं। क्या चाहती है वो? वो मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। मैंने लीजा से वादा किया था ऐसा नहीं होगा। ओह भाई, थोड़ा बच के रहने का है। तुम्हें लगता है कि मैं चांस लूंगा? ठीक है, थोड़ा शांत हो जा यार। ओके, चलो सोचते हैं कि ये जो है वो खतरनाक नहीं है। ठीक है, उसे करने दे जो वो करना चाहती है, फिर देखते हैं आखिर क्या होता है अंत में। नेसा और मैं एक साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं किसी भी तरह से इसका असर हमारी शादी पर नहीं पड़ने दूंगा, चांस भी नहीं लूंगा।
तुम मजाक कर रहे हो। हाँ। क्या तुमने ये देखा? हाँ। क्या आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, फिल्म देख रहा हूँ। सही कहा, लेकिन तुमने जब से फिल्म शुरू की है तब से तुमने कुछ कहा नहीं। क्योंकि हमें फिल्म देखनी है, बात थोड़ी ना करनी है। क्या सच में? मुझे अपना फोन दो। किस लिए? अरे दो भी। पर बेब, एक बार फिर से अपना अंगूठा लगाओ। इसमें हंसने वाला क्या है? हंसना बंद करो, ये बेकार है। तो कुछ नहीं चल रहा है, देखा ना तुमने। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेबी, हाय, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हम आज रात फिल्म देखने वाले हैं? I'm sorry. तुम भी हमारे साथ देख सकती हो, बैठ जाओ यहाँ पे। तुम क्या कह रहे हो? बस भी करो। ये क्या हो रहा है? उसे छोड़ो, तुम पागल हो? क्या हो रहा है? तो ऐसा है ना, ये तो कमाल की मूवी है। हटोगी जरा तुम? देखो ना। पत्नी वो ऊपर सो रही है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ अभी? अच्छा तो पुन्ने बोला था, अपुन ने बोला था तेरे को, अपुन ने तेरे को बोला था, अब वो और ज्यादा पढ़ लिया तेरे पिछू। तो अब क्या करेगा भाई? तुम्हें क्या करना होगा? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी यार, मत कर ये सब। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई, तू लड़का हो गया, ऐसी बात कर रहा है? देखो भाई, यहां बात मेरी शादी की हो रही है, अगर उसने वीडियो क्लिप भेज दी तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो उसको भेजने तो दे भाई। क्या तुम पागल हो गए हो? भाई, आप उनको पता है वो ऐसा ही करेगी। तुम चाहते हो कि मैं उसे कहूं कि जो उसके पास क्लिप है वो मेरी पत्नी को भेज दे और उसके बाद मेरी शादी खत्म हो जाए? नहीं तो कहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है ये हुआ कब है, तो क्या करें भाई, समझा क्या? देखो, मेरी पत्नी पहले से ही बहुत कुछ झेल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तू ही चाहे जो अपनी पत्नी का साथ देने लगा भाई, इससे कुछ नहीं होने का है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए?
अपनी पत्नी के पास जाऊं और बोलूं कि हे बेबी आई एम सॉरी मोनिका और मैंने सेक्स किया है, उसके पास सेक्स की वीडियो है और मुझे नहीं पता ये कब हुआ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ अपन सब सुन रहा है। मैं ये नहीं कर सकता। तू क्या नहीं कर सकता भाई? मैंने सको ये नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है भाई, मेरी सुजैन के साथ एक बैठक है तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं, ध्यान रखना भाई। वेटर वेटर, क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है? मैंने कहा मुझे एक और ला कर दो। क्या मुझे खुद जाकर लेना होगा? हेलो हेलो, क्या तुमने मेरे पति से बात की? ठीक है, मैं उसे फोन कर रही हूँ पर वो जवाब नहीं दे रहा। Wow. Anyone can stay out this late, but not Brumé. मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। Maybe I should try calling him. ठीक है, please. वो आ गया, वो ठीक है। Okay, no alarm. Hey babe, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। मैं ठीक हूँ। तुमने शराब पी है? तुम्हें हुआ क्या है? कुछ तो कहो। कुछ नहीं। तुम पूरी रात बाहर रहे, बस तुम मुझे इतना ही कह रहे हो? मैं बस थोड़ा सोना चाहता हूँ। ठीक है।
तुम उठ के। मुझे बात करनी है। नहीं नहीं, क्या हुआ है? उठो, अब थोड़ा नहा लो, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे। ओह माय गॉड, क्या तुम मेरे लिए हीटर ऑन कर दोगी प्लीज? ठीक है। ओह क्या हो गया? कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो तुम्हें याद है, क्या तुम सफाई देने के लिए तैयार हो? किस बारे में? प्लीज नहीं, ऐसा मत कहो, ठीक है? मैं पागल नहीं हूं। तो ये तुम्हारा प्लान था, है ना? तुम्हारा यही प्लान था, अब वो यहाँ है। क्या प्लान? तुम जानती हो उसका यहाँ रहना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। क्या मुझे ये पता है? क्या ये हम सबको पता था? क्योंकि जिस तरह से तुम उस औरत के लिए पागल हो, इस सबसे मुझे यही लगेगा ना कि तुम उस औरत के लिए शुरू से ही प्लान बना रहे थे। निशा, नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। निशा, निशा। मैं वहां बैठकर बकवास नहीं सुनूंगी। तुम क्या सोचते हो, मैं पागल हूँ? हे भाई, क्या हुआ मेरे दोस्त? उसने वो कर दिया। क्या? तो क्या कह रहे हो भाई? उसके पास वो क्लिप है मैन। तेरे को कैसे पता भाई? उसने मुझे भेजा है, ठीक है? इस बारे में उसे पता नहीं चला। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। हाँ, तो अब तू क्या करेगा मेरे भाई? मुझे नहीं पता। देखो, मैं निशा को इसके पास नहीं छोड़ सकता। उससे बात करना एक बार। निशा को अपनी तरफ से सब बताएगी। इस तरह से उसे वही मिलेगा जो उसे चाहिए। मैं नहीं कर सकता। तेरी तो लग गई यार। मुझे लगता है मुझे ऐसा करना होगा। क्या करने वाला भाई? भाई बोल ना। अरे कुछ तो बोल। What is that? Bro, are you there? Bro, man. Thank you.
want you to know that I love you so. I just wanna make this loving worthy. I just want to know if you are worthy. I gave you all my soul. मेरी बेटी को क्या if हुआ? You give me your word, tell me that you never gonna hurt me. Show me that you always gonna want me. Would you show me that you always gonna want me? एक्सीडेंट की वजह से इनके दिमाग के कुछ हिस्सों पर असर कर रहा है। क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा समय था जब उसे किसी परी से मिलने जाना था? हाँ डॉक्टर, लेकिन वो 10 साल पहले था। ये एक आधिकारिक कार्य था। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर प्लीज हमसे बात करो। तो ऐसा है, ये उसकी आखिरी शब्द थी जो उसने मुझे कही जब मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे डर है कि वो भूल गया है अपनी याददाश्त। उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा चला गया है। उसके लिए ये सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। हैं? तो अब क्या करना चाहिए हमें? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है। एनीवे, तो हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे ताकि हमें पता चल सके कि असल में कितना नुकसान हो चुका है। डॉक्टर उम्मीद है ये बुरा नहीं होगा। फॉर नाउ, अभी आपको बस इतना ही करना है। उसे कुछ भी याद करने का फोर्स नहीं करना है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। बस इतना ही। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम प्यार करते हो, मेरा मतलब अगर तुम सब चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तो उसे अपने आप ठीक होने का मौका दे दो। ओके। और जैसा कि मैंने कहा, उसे याद करने के लिए फोर्स कभी मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दिमाग पर जोर डालना कि वो बातें याद करे बहुत खतरनाक होगा। मेरा मतलब इस वजह से वो अपना सब कुछ भी खो सकता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि वो कोमा में भी जा सकता है। क्या? यहां तक कि वो अपाहिज भी हो सकता है। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ प्लीज? हाँ जाओ। हाँ ठीक है, देखो उसे, कोई बात नहीं। हे भगवान। हमें दबाव नहीं डालना है। ये जाग रहा है ब्रोमी। ब्रोमी माँ। हाँ। ओ माय गॉड, आखिर तुम उठ ही गए। हे भगवान, ये कौन है? प्लीज मेरे बेटे को परेशान मत करो। माँ, डॉक्टर, 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 मेरे पति मुझे पहचान नहीं रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें उससे प्यार है, उसे मजबूर मत करना। उसे ठीक होने का थोड़ा मौका दो, वो जल्दी ही तुम्हें भी याद कर लेगा।
तुम्हें पता है कि अगर ये काम हाथ से निकल गया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्लीज, मुझे पता है इस तरह का समय तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, बट प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे थोड़ा समय दो, जबरदस्ती मत करो। थैंक यू। माँ, माँ मैं जानती हूँ आप मुझे अपने आसपास नहीं चाहती, मुझे पता है मुझे जाना चाहिए, लेकिन याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, उनके आसपास रहने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भले ही अब आप नहीं चाहते कि मैं उनकी पत्नी बनूं, लेकिन मैं उनके इलाज के लिए रुक सकती हूँ, प्लीज। इलाज, इलाज, तुम चुड़ैल, इलाज। जब से तुम आई हो सब बर्बाद हो गया है। देखा, किस्मत ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया। मैं तुम्हें भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत ने देखो तुम्हें ही भगा दिया। एक बात कहूँ, चली जाओ यहाँ से, सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें दोबारा अपने बेटे के पास नहीं देखना चाहती। मेरे साथ नहीं कर सकती। मोनिका, इसका सामान ले आओ, मुझे तरस नहीं आने वाला। इस घर से चली जाओ। रुको, 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 तुम बांझ कहीं की। लो 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 लो, अपना सामान पकड़ो यहाँ से। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी से। ठीक करेगी, बढ़िया ही ठीक करने वाली। सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। बेकार है, बेकार है ये, बेकार। निकल जा यहाँ से, बेकार औरत, निकल जा, चल निकल यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। तू ठीक करेगी मेरे बेटे को, निकल यहाँ से, निकल। इसे बाहर फेंक कर आओ और आओ घर की सफाई कर दे। आओ इस बुरी आत्मा को भगाएं यहाँ से, आओ मिलके साफ करें, साफ करो इसे। मोनिका, झाड़ू लेकर आओ और इसे साफ करो, जाओ 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 यहां से। बेबी, क्या कर रहे हो? अब कैसा लग रहा है? सर दर्द कैसा है? तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ लेकर आती हूँ, पर क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? जरूर पसंद आएगा। चलो आओ, ठीक है। क्या आराम है? ओके, चलो शुरू करते हैं। ये बनी ना बात, चलो पी लो। ओके, ये बढ़िया है। ओके, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ, ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है, ठीक है? गुड बॉय, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
तू जानता है तू कहां पे अभी? नो। इस सड़क के बारे में कुछ याद कर सकता है? सच कहूं तो नहीं कर सकता। वैसे मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ कोई खाने की जगह है? हाँ, वो सड़क के नीचे एक ढाबा बने ला है, वहां पे मेरा दोस्त मेरे को लेके गया था। बड़ा मस्त खाना बना दे वो लोग। अपन को पता तेरे को ढाबा पसंद है। क्या मुझे? बढ़िया ढाबा, बढ़िया खाना और बीच, एक बहुत ही बढ़िया जगह जहाँ तू घूमेगा तो तेरे को मजा आ जाएगा बेटू। तुझे दिमाग की शांति मिलेगी और अपन को लगता है वहां जाके तेरी बात बन जाएगी यार। क्या बोलता है? हाँ, हमें वहां बिल्कुल जाना चाहिए। यही बात। सो चलना बेटू। रोमे, ये सचमुच खूबसूरत जगह है। हाँ, अपन ने बोला था पसंद आएगा। थैंक यू। कोई ना। सबसे मस्त जगह है। हाँ, मैं समझता हूँ। हाँ, थैंक यू। हमें चाहिए ये और ये। तुम भी यही खाओगे ना? सही बोल रहे बड़ू। ओके, थैंक यू। तो दिल खुश हुआ ना तेरा? हाँ। का खाना पसंद है उसे? Well, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। देख भाई, पता है ना वो अभी थोड़ा बीमार चल रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें बता दूं, उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं उसके आसपास भी रहूं। अरे वो तेरा पति है। मुझे पता है, और मैं समझती हूँ तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
तुम्हें डॉक्टर की बात याद है? मुझे उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ सही बोल रही है, पर देख एक बात है जो तुझे बता रहा हूँ, तुझे बस एक बार खड़ा जरूर होना होगा और अपनी जगह वापस लेनी होगी। हाँ देख, शायद तू वो छोटा सा टुकड़ा है जिसको एक साथ जुड़ के रखना होगा, नहीं तो वो बिखर जाएगा। एक बार सोचने का भाई, तुझे पता है वो तेरे को प्यार करता है। लगता है समझ गई। वो कहाँ चला गया? फाइन। ओए भाई, मैं यहाँ पर आधे घंटे से बैठा हूँ पर अभी तक उसे नहीं देखा मैंने। उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है फिर। हे हे, क्या सब ठीक है? हाँ, मैं क्या हम पहले मिले हैं? यस नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल यही नहीं, मेरा मतलब है कि क्या हम इससे पहले कहीं और मिले हैं क्या? अब से पहले माफ करना, मुझे थोड़ा मैं क्या तुमने उसे कॉल करने की कोशिश की? Have you tried calling? बहुत बार माँ। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं। And he's still not answering. Okay, ब्रूमो मुझे नहीं मारेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ माँ। Okay, no, Brumo will not kill you. पिछले कुछ समय से मुझे उनमें कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। हमेशा ख्यालों में खोए रहते हैं। बदलाव? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे लगता है उनकी बर्दाश्त वापस आने लगी है। अब वो मेरे साथ ठीक से नहीं रहते, वो मुझे छूते भी नहीं है। माँ मुझे डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, शुरू मत करो प्लीज। देखो,
मैं दो दिन में वहाँ आऊंगी और उससे जरूर बात करूंगी। मैं ये सब खुद से देखना चाहती हूँ, तो इस दौरान क्या तुम्हें कोई खबर मिली, कुछ पता चला? तुम जानते हो, मुझे बार बार उस लड़की की याद आती है, वेटर लेडी की। लेकिन जब भी मुझे उसकी याद आती है, मैं बस, मेरा दिमाग मुझे ले जाता है उसी फूड कोर्ट पर। तू अच्छा रुक, बता तू कहना क्या चाहता भाई? तेरे को लगता है तू उससे पहले मिला है? नहीं पता मुझे, वाह मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं प्रोमिस, सुन मेरी बात भाई, तेरे को यही करने का है, एक जगह बैठकर अपने दिमाग लगा के बार बार सोचने का भाई। जो फोटो तेरे दिमाग में आ रही है उसको एक साथ जोड़ के देख तो क्या मानता है, अपन को भी बता साथ में, समझा कि नहीं? कुछ गहरी बातें तो सोच जा ना। कुछ भी नहीं। नहीं यार, अंधेरा। जल्दी नहीं करने का है, आराम से सोचने का है। अंदर आ जाओ। हे मम्मा, आपका स्वागत है। थैंक यू। हो मेरे प्यारे बेटे। प्रोमे, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ बस इतना ही, मैं, मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है और पता नहीं क्यों मैं ये सब अजीब बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या ये कोई सपना है जो मुझे याद नहीं है, और क्या ये मेरी कोई पुरानी जिंदगी है। बट जब ये सब होता है तो मेरा बहुत सर दर्द होता है। क्या तुम डॉक्टर से मिलने गए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी गंभीर चीज है। मेरा मतलब है कि अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है? हाँ। आपकी यात्रा कैसी रही? ब्यूटीफुल। आई मिस्ड यू। मैंने भी आपको बहुत याद किया। सोचा तुम्हारी पत्नी से मिल लूं, वो दिख नहीं रही, कहाँ है? वो बाहर है। ओह अच्छा ठीक है। क्या तुमने कुछ खाया? पक्का ना? हाँ। तो मैं यहाँ पर बैठकर तुम पर नजर रखती हूँ। आप फ्रेश होना या कुछ और करना पसंद नहीं करोगे? मैं चढ़ूंगी, लेकिन उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? Sitting in this bus, we're riding, riding. I don't even know where we're going. Don't know. As long as you're here, girl, oh, girl, I'll be alright. Yeah. As long as I'm by you, yeah, I'll be okay. Okay. I know it's crazy, but I'll take a chance. If I don't, then I lose. Oh yeah. I forgot my destination. I'm heading in the wrong direction. I'm lost, but please, nobody should find nobody me. Nobody should find me. I can feel a strong connection. I know she gives me palpitation. I've got to get to the end of this journey. It don't matter if I can't find my way back. I'm going your way. I don't care how long the road goes. I'm going your way. It don't matter if we're right until it is dark. I'm going your way. I will ride with you. Nesa. जब तुम्हारी माँ को ये एहसास हुआ कि अब तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे,
उसने और मोनिका ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया, लेकिन मेरा बॉक्स, मुझे सड़कों पर सोना पड़ा कई रातों तक, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने अंजला को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। वही थी जो मुझे अपने साथ ले गई और इस सब के दौरान मेरे साथ थी, और ये सब बहुत डरावना था। मेरे पति मुझे पहचान नहीं रहे थे और मेरी सास ने मुझे निकाल दिया। तब मैं घर फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। मुझे पता था कि मुझे काम करना होगा, इसीलिए मैंने नौकरी की एक रेस्टोरेंट में, ताकि मैं एंजला के घर के कुछ बिलों में उनकी मदद कर सकूं। बिल्कुल, बस यही सब हुआ। हाय भगवान, निशा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। भगवान, मुझे नहीं पता था मेरी माँ इतनी दुष्ट है, इतनी घटिया और बेकार है। क्या बात इस हद तक पहुंच गई थी? वादा रहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें घर जाना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा, वो तुम्हारा घर है। ओह, हे, ये आ जाओ जूनियर ब्रोमी से मिलो। ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे दूर रहता, ठीक है? और तुम ऊपर जाओ, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। बेबी, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, ठीक है? ऊपर जाओ, अपना सामान बांधो, निकल जाओ मेरे घर से। आओ बैठ जाओ प्लीज। यकीन नहीं होता कि आपने ऐसा किया। नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा मतलब ही निकलेंगी। मेरी भी चिंता नहीं की आपने। आपको चिंता नहीं थी कि मैं जीऊं या मर जाऊं? आपको क्या फर्क पड़ता अगर मैं मर भी जाता? मुझे माफ कर दो। क्या करूंगा मैं आपको माफ करके? मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। इस मासूम आत्मा को देखो, आपने इसकी परवाह की? क्या आपने परवाह की वो कहां है, वो किस हाल में है? एक ही काम जो उसने किया वो है मुझसे प्यार करना, और मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उसने अपराध किया है, क्योंकि वो आपको एक चीज नहीं दे पाई, बस एक वो चीज जो आप इतनी शिद्दत से चाहती हैं, एक पोता, वो चीज जो हमारे बस में नहीं है, यहाँ तक कि वो आपके बस में भी नहीं, वो बस भगवान के बस में है। लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है और क्या होगा उसके साथ। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो माँ? मुझे माफ कर दो निशा, मुझे माफ कर दो। रोलैंड ने मुझे वो सब कुछ बताया जो कुछ हुआ था। क्या आप उस चुड़ैल को जानती हैं जिसे आप मेरे घर पर लेकर आई थी? मेरे शांतिपूर्ण घर में उसने मुझे कुछ खिलाया और मेरे साथ सेक्स किया। माँ, उसने आपके बेटे का बलात्कार किया उसी के घर में।
और फिर उसने मुझे एक एक पल ब्लैकमेल किया, मुझे तब तक परेशान किया जब तक मेरी जान नहीं चली गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने घर पर रखा, आप चाहती थी वो यहां रहे और ये चली जाए जिसने मुझे देखा। आप ऐसी कैसे कर सकती हैं मॉम? कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो जिसे आप सबसे ज्यादा चाहती थी क्या वो आपके पास है? है क्या? बोलो, जवाब दो मुझे, क्या है आपके पास? आपने मेरी पत्नी को उसी के घर से निकाल दिया। सॉरी ब्रो, प्लीज सॉरी नेसा, प्लीज सॉरी नेसा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। घर छोड़ने के 3 हफ्ते बाद मैं बीमार हो गई थी। मुझे लगा कि ये मलेरिया है। कुछ समय बाद मैंने पीरियड्स का इंतजार किया पर वो नहीं आए। पर मैं कंफ्यूज थी, फिर मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया समझने के लिए। मैं अस्पताल गई और डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बस एक सपने जैसा था, हर दिन सुबह उठना और देखना कि कोई मेरे अंदर पल रहा है, एक एंज एंजल है। तुम यहाँ आ सकती हो। इतने सालों के इंतजार के बाद और जो भी मेरे साथ गलत हुआ, वो सभी की प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने मेरे आंसू पोंछने का फैसला किया, मुझे खुशियों का ये भंडार देकर। एंजेला, वो देना सारा। नहीं, मैं बाहर जा सकती हूँ और दुनिया का सामना कर सकती हूँ। माँ, ये ओजिन ब्रोमे जूनियर है, ये आपका पोता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, माफ कर दो। इट्स ओके। तुम्हें पता है क्या, तुम जानते हो दौड़ तेज गति की नहीं है, ना ही ताकतवर से लड़ाई की, लेकिन इसे देखो, इसके बाद समय और मौका। हाँ, मैं बहुत बुरी थी, समय बहुत कुछ बदल देता है। थैंक यू नेसा, मैं तुमसे भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, और जो मैं नहीं कर सकती थी भगवान ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। सचमुच मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन देखो इसे, मेरे पोते को तो देखो।
I'm in love. It's got to be that feeling they call love. I've been a malaria. No, I'm in love. I'm in love. Yeah. Why are my hands so sweaty? Why am I weak in the knee? Now I'm walking funny. Every time I'm close to you, baby, I lose my cool. Oh yeah, when you smile in my direction, my heartbeat does like 192 BPM. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything.